नमस्ते दोस्तों, हम लोग आज जॉन गावर को पढ़ने जा रहे हैं। जॉन गावर जॉफरी चौसर के एग्जैक्ट कंटेम्प्ररी थे। इनका बर्थ के बारे में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, जबकि इनका डेथ चौसर के डेथ के 8 साल बाद यानी कि 1408 में हुआ था। इनके वर्क्स 3 लैंग्वेजेज में हमें मिलते हैं, फ्रेंच, लेटिन और मिडिल इंग्लिश लिटरेचर यानी कि द ईस्ट मिडलैंड डायलैक्ट में मिलते हैं। और इनके 3 लैंग्वेज में लिखे गए वर्क्स के कारण ये पता चलता है कि मिडिल इंग्लिश लिटरेचर उस समय तक बहुत ही ज़्यादा फेमस नहीं हुआ था। जॉन गावर के सबसे पहले वर्क स्पेक्युलम मेडिटेंटिस जो 3000 लाइन में लिखे गए हैं, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ये वर्क फ्रेंच वर्क हैं यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज में लिखे गए हैं और यह एक सर्मन है, एक लॉन्ग सर्मन है और ये वर्स में लिखा गया है। यह एक एलिगरी है और उस एज के मॉरलिटी, वाइस और करप्शन को दिखाता है। जॉफरी चौसर जॉन गावर को मॉरल गावर कहे हैं। जॉन गावर का दूसरा वर्क है वॉक्स क्लेमेंटिस। ये वर्क लेटिन कपलेट में लिखा गया है और यह वर्क पीजेंट रिवोल्ट जो 1381 में 1381 में हुआ था, उसी रिवोल्ट से ये वर्क इन्फ्लुएंस हुआ है। जॉन गावर का तीसरा वर्क जो कन्फेसियो अमेंटिस है, ये 1384 यानी कि 1384 का वर्क है। कन्फेसियो अमेंटिस मिडिल इंग्लिश लिटरेचर यानी कि ईस्ट मिडलैंड डायलैक्ट में लिखा गया है। जॉन गावर का ईस्ट मिडलैंड डायलैक्ट में सिर्फ एक ही वर्क कन्फेसियो अमेंटिस लिखा गया है। कन्फेसियो अमेंटिस में करीब 1000 से भी ज़्यादा शॉर्ट स्टोरीज हैं और लगभग 40,000 से भी ज़्यादा लाइन में लिखे गए हैं। कन्फेसियो अमेंटिस ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में मिलता है। जॉन गावर का यह वर्क भी यानी कन्फेसियो अमेंटिस भी एक एलिगरी है। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।